Good morning, students. I hope you will be fine here. Students, आज मैं आपको जो कुछ बोलना चाहती हूँ स्पीच में, तो वो स्पीच आज आपके स्टडी के ऊपर है. स्टडी के ऊपर जैसे कि मैं आपको कुछ भी वर्क देती हूँ कि जैसे स्कूल और कॉलेज की सबसे अनोखी बात क्या होती है कि हम सब उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ो, ठीक है. नो वंडर कि आप रिवीजन करते हैं और रीडिंग भी करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन जब एग्जाम्स आते हैं तो आप वो सब कुछ भूल जाते हो. ये कि पेरेंट्स की भी मेरे पास शिकायत आई है कि मैम मेरे बच्चे को सब कुछ लर्न होता है बट जब वो लिखता है तो भूल जाता है, ऐसा क्यों? तो आज मैं आपको वो ही बताना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल कि आज जो है कि एक्टिव रिकॉल मींस कि लेट्स अंडरस्टैंड दिस. ओके, मैं आपको 100 रुपए का नोट देती हूँ, ठीक है, और आपको कहूंगी कि आप देखती क्या, मैं आपको दिखाया है 100 रुपए का नोट और मैं कहती हूँ कि इसको जस्ट अभी की अभी ड्रॉ करो, तो वो आप क्या ड्रॉ करोगे? मे बी नो. वो क्यों? क्योंकि वो आपके दिमाग में आके भी बैठा ही नहीं है, तो वो उसको आप ड्रॉ क्या करोगे? कुछ भी नहीं. तो ऐसे ही आपकी स्टडी होती है कि जब मैंने कोई आपको चैप्टर लर्न करवाया है तो आप क्या करोगे? स्कूल में पढ़ोगे, घर जाके एक बार उसको देखोगे तो आप सोचते हो कि वो चैप्टर मेरे माइंड में बैठ गया है, बट वो आपके चैप्टर आपके माइंड में नहीं बैठा है क्योंकि आप तो उस चैप्टर का एक रट्टा लगा रहे हो. और दूसरी बात कि जब तक हम उस चैप्टर के करेक्टर को अपने माइंड में नहीं बिठाएंगे तब तक वो चैप्टर हमारे दिमाग में नहीं आएगा, ठीक है. मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं आपको कुछ भी पढ़ाऊं तो आपने क्या करना है कि उसको अपने माइंड में बिठाना है और अच्छी तरह से लर्न करना है, ठीक है. कुछ भी मैं वर्क आपको लर्निंग वर्क देती हूँ तो उसका रट्टा नहीं करना, आपने रट्टा नहीं करना. आपने क्या करना है कि पहले उसको अच्छे ढंग से याद करना है, याद करना है. याद करने के बाद उसको सुनाने की बजाय आपने उसको लिखना है. लिखोगे तो फिर उसको एक बार क्रॉस चेकिंग करो. आप अपने टीचर खुद के बनो, घर में अपना टीचर खुद बनो, क्रॉस चेकिंग करो. आप नहीं कर सकते हो तो अपने पेरेंट्स से करवाओ. क्रॉस चेकिंग करोगे तो क्या होगा कि आपकी जो मिस्टेक्स हैं आपको पता चलेंगी लिखने से, ठीक है. और जो वो मिस्टेक